बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की ग्रेगरी सीरीज से है। इफ़ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, प्रूव दैट टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 10 के बाद 6 थीटा बाई 2 प्लस 1.5 10 के बावर 10 1.5 10 टू दावर 10 थीटा बाई 2 माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। सबसे पहले हमें जो थीटा के बारे में बताया गया है कि थीटा की जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाई कर रही है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है। इससे हम कुछ रिजल्ट फाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो नज़र आ रही वैल्यू वो थीटा बाई 2 की है। तो 2 से पूरे इक्वेशन को मतलब इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 होगा तो ये थीटा बाई 2 का, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, लेस देन की है तो लेस देन की इनइक्वालिटी ही रहेगी। अब हम यहाँ पर इसमें 10 की वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे, यानी यहाँ पर 10 अगर ले लिया जाए सबका, यानी 10 0 तो ये 10 थीटा बाई 2 और ये 10 पाई बाई 4, क्योंकि मतलब यहाँ तक 0 और पाई बाई 4 के बीच में 10 की वैल्यू जो होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, यानी एंगल बढ़ता है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, 10 की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो इसलिए यही फार्मूला यहाँ पर भी रहेगा जैसा कि यहाँ पर है, और 10 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है और ये यहाँ पर 10 थीटा बाई 2 और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर यहाँ पर 10 का स्क्वायर जो भी है तो 10 का स्क्वायर की वैल्यू भी देखें, तो क्योंकि ये 10 थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमें नज़र आ रही है कि 0 से लेके 1 तक नज़र आ रही है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि 0 1 के बीच में आने के, यानी 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 1 के बीच में आएगी, यानी हम मोटे तौर पे अगर इसे कहें तो ये 1 और माइनस 1 के बीच में भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसका ग्रेगरी सीरीज़ में यूज़ करेंगे। अब हम इसका यूज़ करना है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अगर एक्स मान लें फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 को अगर एक्स लेट कर लेते हैं तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में लाई करती है। एक्स की वैल्यू हम आगे चल के यही यूज़ करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम जो प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, और दोनों में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं कॉस के कई फार्मूले होते हैं हाफ एंगल में, तो उनमें से ऐसे फार्मूले को चूज़ करेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वैल्यू रखेंगे, और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू रखेंगे ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ये वैल्यू जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू 10 के इक्वल होती है, जो 10 इनवर्स साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल लग सकते हैं, और इसको हमने पहले ही मान लिया था एक्स के इक्वल मान लिया था, तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स के इक्वल हो गया, और x की वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं बाई सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 10 इनवर्स x का एक्सपेंशन ग्रेगरी सीरीज से होता है, ग्रेगरी सीरीज से हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं इस तरीके से, इसका एक्सपेंशन होता है, याद कर लीजिए फार्मूला, एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू, जितनी पावर होती है उतनी अपान में होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स होते हैं और सारे ऑड पावर्स होते हैं 1, 3, 5 इस तरीके से पावर आती रहती है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पर इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से मानी हुई है, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर हम वापस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू की जगह पर रख देंगे 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू
जो क्वेश्चन में थी वो वापस करेंगे थीटा की पावर में, उसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, और इसमें 5 है पावर तो 5 कर देंगे, यानी 10² थीटा बाई 2 की पावर 5। बस तीन टर्म किसी थ्री सीरीज़ को डिफाइन करने के लिए काफ़ी होते हैं, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्लियर हो रहा है कि अगला टर्म क्या आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस टर्म को तो हम ऐसे ही लिख देंगे अगले स्टेप, सॉरी अगली स्टेप में इस टर्म को तो ऐसे लिख देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 10² थीटा बाई 2 और -1/3। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पावर हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो 10 की पावर हो जाएगी 6 थीटा बाई 2 और +1/5। ऐसे ही इस अगले टर्म में देख रहे हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होकर 10 पावर हो जाएगी, तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 10^10 थीटा बाई 2 और माइनस साइन से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू जो आई है राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड आ चुके हैं, और कंप्लीट हमारा इक्वेशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।